सुनने में आ रहा है कि यूएसए के न्यूयॉर्क टाइम्स ने अफगानिस्तान के काबुल से अपने पत्रकारों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से मदद मांगी है। जैसे ही यूएसए ने अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान से हटाए, वैसे ही आतंकवादी संगठन तालिबान अफगानिस्तान में तेजी से अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है। इस टेररिस्ट ग्रुप ने एक इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की निर्मम हत्या कर दी थी, जो कि राइटर्स नाम के मीडिया आउटलेट के साथ काम कर रहा था। जैसे ही तालिबान को पता चला कि वो कौन है, तालिबान ने उसे बुरी तरह मार डाला। और यहाँ इंडिया में उस पत्रकार के दोस्त कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वॉरियर्स ने अपने मुंह में फेविकॉल जमा लिया था और तालिबान के खिलाफ न एक शब्द बोला न एक शब्द लिखा। पत्रकारिता शायद ये प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स को ही देख लीजिए, आज इंडिया से मदद की गुहार कर रहा है और कल यही न्यूज़पेपर तालिबान लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी के ओपिनियन पीसेस प्रकाशित कर रहा था। ये वही लेख ऑपिड है जिसका टाइटल व्हाट वी द तालिबान वांट था। ये लेख फरवरी 2020 में छापा था, जिसमें सिराजुद्दीन हक्कानी ने साफ तौर पर कहा था कि जैसे ही यूएसए के ट्रूप्स हट जाते हैं तो तालिबान अफगानिस्तान में इस्लामिक सिस्टम खड़ा करेगा। जैसा बोते हो वैसा फल पाते हो। लेकिन ये तो यूएस मीडिया है, यूएस गवर्नमेंट का रवैया तो और भी शॉकिंग है। न्यूज मीडिया में ये भी खबरें आ रही हैं कि जो बाइडेन की सरकार तालिबान से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही है कि अगर आप जब आप अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें तो प्लीज काबुल में जो यूएस एम्बेसी है उसे छोड़ दें। वाह वाह, ये है वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री। यूरोपियन यूनियन ने भी इनडायरेक्टली तालिबान को मान्यता दे दी है। यूरोपियन यूनियन का स्टेटमेंट आया है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान पावर पा लेता है तो यूरोपियन यूनियन उसे आइसोलेट कर देगी। अरे वो टेररिस्ट संगठन है, उसे नहीं पड़ी है, वो ऑलरेडी आइसोलेशन में है दशकों से। ना ही आपके डेवलप इकोनॉमिक फोरम से लेना देना है, ना ही ओलंपिक्स में पदक जीतने में कोई इंटरेस्ट। और वहीं पे चाइना का क्या कहना है? चाइना कहती है कि वो तालिबान को एक लेजिटिमेट रूलर मानने को तैयार है। जी हाँ, एक टेररिस्ट संगठन को अफगानिस्तान के रूलर मानने के लिए चाइना ने अपना अप्रूवल दे दिया है। ऐसा हो रहा है खुलेआम, जी हाँ, पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने, और सब चुप हैं।